आयत आशर सूरा यूसुफ मक्की है एक सौ ग्यारह आयतें हैं और बारह रुकू हैं अल्लाह के नाम से शुरू बहुत मेहरबान अलम फरमाने वालाफ मुक्त जिनका माना अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताए से जानते हैं तिल का मुबीन ये आयतें हैं रोशन किताब की तिल का मुबदा है मुबीन इसकी ख़बर है यानी मुराद ये कि कि इस किताब का कलाम इलाही होना एक ऐसी सच्चाई है जो बिल्कुल वाज़े है और किसी दलील की मोहताज नहीं इन ना अनसल नाह बेशक हमने इसे उतारा यानी कुरान अरबी को लाआरुन ताकि तुम इसे खूब समझ सको ये किताब हकोबातल को ज़ाहिर करने वाली है और इसलिए है कि ताकि तुम इसे नसीहत हासिल करो एहल अरब तुम इसे समझो और इसे इससे नसीहत हासिल करो नाह हम बयान करते हैं आपसे आहसन अलससी एक बेहतरीन क़स्स कसू से मस्तर है इसका माना है किसी चीज़ का मतब्बे करना क़स किस्सा का हम माना है यानी हम आपसे एक बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं इसको आसन अकस इसलिए कहा कि इसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम किरदारों को बयान किया गया हर एक की हकीक़त निखर कर सामने आ गई और उस सब का ताल्लुक़ इंसानी माशरे से और करीबी रिश्तों से है नहनकुस्स का हम बयान करते हैं आपसे अहसन अलससी एक बेहतरीन किस्सा भी माँ आवा ना जो हमने आपकी तरफ वही किया हादल कुरान इस कुरान में व इनकन तमिन कबिल ही लमीन अगाफिल और अगरचे आप इससे पहले इससे बाखबर नहीं थे यानी वही इलाही से पहले इदक यूसुफ अली अभी ही जब कहाफ़ ने अपने वालिद से या अबर को

बेटों में हजरत यूसुफ असलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे हम ली मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं आपने फरमाया या, या ला अला का ए मेरे बच्चे ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से फकी दूला का दावरना वो साजिश करेंगे तेरे खिलाफ इन न शैतान मुबीन बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है जब हज़रत यूसफ़ ने अपने वालद से अपना ख्वाब बयान किया तो आपने उसकी ताबीर बताने से पहले यूसुफ़ को हिदायत करना ज़रूरी समझा कि वह इस अज़ीम ख़्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करें क्योंकि हज़रत याकूब आलम को मालूम था कि आपके भाई आपसे हसद करते हैं क्योंकि हज़रतूसुफ़ल में बहुत अच्छी सलाहियतों के आसार ज़ाहिर थे शैतान का काम ही लोगों को बहकाते रहना है वो बुरे कामों को दिलकश बनाकर पेश करता है जैसे उसने काबिल के सामने अपने भाई हाबिल का कत्ल इतना यानी आसान कर दिया था तो ऐसा नहीं हो कि तेरे भाई तुझे अजियत पहुंचाए वकदालिकबी का रब्बू का और इसी तरह चुन लेगा तुझे तेरा रबू का मिलता भी और सिखा देगा तुझे बातों का मिलता अबीर अहदीस ये बातों का अंजाम वयुतिम मुन अमाता हु अलह और पूरा फरमाएगा अपना इनाम तुझ पर व आली याकूबा और याकूब के घराने पर कमा अतम्मा अला अबाइक जैसे उसने पूरा फरमाया अपना इनाम इससे पहले तेरे दो बापों पर मिन कब्बल इब्राहिम अबा इसहा इब्राहिम और इसहा पर इन न रबा का आलिम बेशक तेरा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला दाना है यानी अल्लाह अपने बंदे को जो चुन लेता है इसका मफहूम ये है कि अल्लाह ते मखसूस फैज़ से अपने उस बंदे को बहरायात फरमाता है और उसकी और जिसकी बरकत से उससे तरह तरह की नियमतें बगैर उसकी ऐति कोशिश से हासिल हो जाती हैं ये शर्फ़ अम्बिया को सिद्दीकीन को और शोहदा को बख्शा जाता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यह भी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह उसे ख़्वा की ताबीर का मलिका अदा फरमाएगा और पूरा फरमाएगा अपना इनाम तुझ पर यानी दीनी और दुनियावी उखरवी से सहादतें और नबोत से तुझे मालामाल करेगा इन न रब्बा का आलिम बेशक व सब कुछ जानने वाला हकमत वाला है यानि वह खूब जानता है कि कौन सी नियमत किसे दी जाए उसका कोई फेल हमत से ख़ाली नहीं लक़द कानी यूसुफ़ा व अख्वाही और यूस बेशक यूसुफ़ और उसके भाई आयातुल्लिसअ इबरत की निशानियाँ हैं दरिया करने वालों के लिए हज़रत याकूब आसमाम के बारह बेटे हज़रतूसफ और बनिया मीन एक वालदा के शिकम से थे यानी हज़रत यूसुफ और बनियामीन एक वालदा के शिकम से थे और वो बारह बेटे जो है वो अलग यानी आपके अजवाज से थे हजरत हज़रतूसुफ और बन, बनियामीन जिनके शिकम से थे उनका नाम राहिल था और ये आपके मामू की बेटी थी हज़रत याकूब की खसूस मोहब्बत की वजह से भाइयों के दिल में हसत का जज्बा सुलग रहा था और वो इलु जब भाइयों ने कहा लूसफ़ु यूसुफ़ से व हो और उसका भाई लूसुफ़ु वू और उसका भाई अब्बा इला अबीना हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारा है इला अबीना मिन्ना हमारे बाप से हमको ज़्यादा प्यारा है व नाहवन और हम तो एक मजबूत जत्था हैं हम दस जवान भाई हैं सारे कुन्बे का बोझ उठाए हुए हैं कारोबार की सारी जिम्मेदारियाँ हमारे कंधों पर हैं हम इनकी हिफाजत करते हैं मवेशी चराते हैं और हमारे वालिद को जब देखो तो यूसुफी उठाए प्यार कर रहे होते हैं इन्ना अबाना लफी दाल मुबीन यकीनन हमारे वालिद ऐसा करने में कभी ग़लती का शिकार हमारे वालिद ऐसा करने में गलती का शिकार हैं यानी हमारे वालिद बहुत ज़्यादा इस तरफ गुलू करते हैं कि वो उनसे यूसुफ से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उक्सुफ़ा उक अभी अव, तरह हु अदन अरदन कतल कर डालो यूसुफ़ को या दूर फेंका उसे किसी इलाके में यखलू लकुम यह तनह हो जाएगा वज हो अभी कुम तुम्हारे बाप का तवज्जो रुख तुम्हारी तरफ हो जाएगा वता ही कौम उसके बाद तोबा करके कौम बन जाना चुनाची तजवीज़ ये पेश हुई कि यूसुफ़ को कत्ल कर दिया जाए या किसी दूर दराज इलाके में पहुँच पहुँचा दिया जाए ताकि बाप की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज हम बन जाए का ना उनमें से एक ने कहा मिनहुम उनमें से ला यूसुफ़ा व अलकु फी गयाबा तिलजुब भी ना कत्ल करो यूसुफ को बल्कि फेंक दो इसे किसी गहरे कुएँ में युस सैारती तो इसको उठा लेगा इसे कोई राह चलता मुसाफिर इनको तुम फ़ायलिन अगर तुम्हें कुछ करना ही है अब इन्होंने जब बैठ के प्लानिंग की तो उनमें से एक भाई ये कहने लगा कि तुम उसको कत्ल मत करो बल्कि ऐसा करो कि इसे किसी गहरे कुएँ में डाल दो और सुनसान जंगल के बैरान तारीख कुएँ में फेंक दो कोई काफिले गुजरेगा वो उसको निकाल लेगा और अपने साथ ले जाएगा हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा इसमें जो इस्तेमाल हुआ बल्कूह फ़ि गयाबल जुग् भी तो वो गयाबात गयाबा उस चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ को आँखों से छुपा दे तो कुएं की तह को भी गयाबा कहते हैं क्योंकि वो ज्यादा गहराई की वजह से तारीख होती है और जो कुछ उसमें गिरे उसको वो किसी को नजर नहीं आती और जुब उस कुएं को कहते हैं जो बहुत गहरा हो और जिसमें पानी ज्यादा हो कालू या अबा न आला यूसुफा बोले हमारे बाप क्या हुआ कि आपको एतबार ही नहीं करते आप यूसुफ के बारे में हम पर वो इन्ना लहू लना सिन और हम तो उसके सच्चे खैर ख्वाह हैं यानी आप अब इन्होंने कहा कि तजवीज़ को अमली जामा कैसे पहनाएं हजरत याकूब तो यूसुफ को एक लम्हे के लिए भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते चुनाचे आपके पास आए और अपना अहतम कायम करने लगे माना ग आप भेजिए से हमारे साथ कल यर ताव अब खूब खाए पिए खेले कूदे हमारे साथ व इन्ना लहूल हाफि और फिक्र ना कीजिए हम खूब इसके निगहबान होंगे हम इसकी हिफाजत करेंगे ये खाए पिएगा और हम दौड़ेगा शिकार आ, शिकार करेगा तीनअंदाजी करेगा और आप हम पर अहतम करें कला आपने फ़रमाया इन नी लया हजोन नी लयाजोनू नी अन तबू भी मुझे गमजदा बात बनाती है ये बात कि तुम इसे ले जाओ वह अखाफू अः अकुल अबू और मुझे खौफ है कि कहीं खा ना जाए इसको भेड़िया व अन तुम अन हो गफिल और तुम इससे बेखबर हो कलु कहने लगे ल इन अकलाबू अगर इसे खा जाएगा भेड़िया वरना उस तो हम तो एक मजबूत जत्था हैं इतना बड़ा ग्रोह है इन खासिरून फिर तो हम बड़े ही नुकसान में रह जाएंगे कि इतना बड़ा यानी ग्रोह होकर जत्था होकर हम हमारी मौजूदगी में इसको मतलब भेड़िया खा जाए आपने अपनी तरफ से इस खदशे का इजहार किया अब इन्होंने कहा कि हम तो इतने बड़े जवान हैं हमारी मौजूदगी में यूसुफ को कोई नुकसान पहुंचे ऐसा कैसे हो सकता है चुनाच हज़रत याकूबलम ने ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी उस पर ये लोग बड़े खुश हुए हज़रत याकूब की निगाहों से जब ओझल हो गए तो इन्होंने हज़रत हज़रतूसुफ़ल को मारना शुरू कर दिया ताने देना शुरू कर दिए और कहा कि बुलाओ ना अब उन ग्यारह सितारों को और चाँद सूरज को जो तुम्हें सजदा कर रहे थे और आपको ले जाकर एक कुएँ पर आपके गले में रस्सी डालकर उस कुएँ में लटका दिया और जब जाने लगे तो ऊपर से रस्सी भी काट दी अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राहम को हुकुम दिया कि जाओ मेरे बंदे को जाकर संभाल लो तो इससे पहले कि आप सतह आप पर पहुँचते जबराइल ने आकर आपके नीचे पर बिछा दिया और आपको संभाल लिया फ़लम माँ वह ही बस जब उसको ले गए वह अजमाऊ और सब ने तय कर लिया आई अज आलू गया बतिल जुप्पी के डाल दें इसे किसी गहरे तारी कुएँ में व अलग ही तो हमने उस वक्त उसकी तरफ़ वही की लतुनबी अन्ना बेअम रहीम ज़रूर तुम्हारा रब तुम्हें आगाह करेगा इस फेल पर हाजा इस फेल पर वह हम ला षुर और वो तेरे इस बुलंद मरतबे को नहीं समझते इसका मतलब है कि उस वक्त आपको शर्फ नबूत से सरफराज कर दिया गया था व जा अबाशाइ अब कूना और आए रात के वक़्त अपने बाप के सामने गिरिया उजारी करते हुए कलू या अबाना कह रहे हाये हमारे बाप इन्ना जहा हम तो गए थे कि दौड़ लगाएँ नस्ता बिकू के दौड़ लगाएँ व तरखना यूसुफ़ा यूसुफ़ा इन दता इना और यूसुफ़ को छोड़ गए अपने सामान के पास फ अबू तो उसे खा गया भेड़िया वमा अंत बिमिन और हमें पता है आप हमारी बात नहीं यकीन करेंगे हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे वाला उन्ना इसक़ीन अगर चे हम सच्चे हैं व अला कमीस ही बिदमिन कदीबिन और ले आए उस कम इसकी कमीज़ पर झूठा खून लगा कर खूब दिन भर सैर तफरी की रात को चिखते चिल्लाते घर आ गए हज़रत याकूब आसमाम तो पहले ही इतने देर हो जाने पर परेशान थे और जब पूछा कि यूसुफ कहाँ है तो कहने लगे कि उसको तो एक भेड़िया खा गया और यूसुफ़ की कमीज़ को खून में लत पत करके ले आए आपने फ़रमाया ये तो तुम्हारे नफ्सों की फरेबकारी है व जाओ अला कमीज़ की बी दमिन ले आए उसकी कमीज़ पर झूठा खून लगा कर आपने फरमाया आरास्ता कर दिया तुम्हें तुम्हारे नफसों ने इस संगीन जुर्म पर अगर भेड़िए ने यूसुफ़ को खाया होता तो ये कमीज भी तो जगह से जगह जगह से क्या फट नहीं गई होती वो भेड़िया कितना अकलमंद था कि पूरा इंसान तो खा गया लेकिन कमीज़ को कुछ भी नहीं हुआ फसर जमील बस सब्र जमील यानी अच्छा सबर सब्र जमील करूँगा

अपना शख्स पानी लाने के लिए भेजा एक काफिला शाम से मिस्र जा रहा था उसका गुजर कुएं के करीब से हुआ पुकार उठा या बुशरा हाज़ा जब उसने अपना डोल कुएं में डाला तो हजरत अलैहिस्सलाम उस डोल में बाहर निकल आए उसने जब आपके खूबसूरती और उसने जमाल को देखा तो कह रहा कितना खूबसूरत बच्चा है वह असर रोहबिदातन और उन्होंने छुपा दिया उसको एक बहुत कीमती मता समझ कर वल्लि मुमिमा खूब जानने वाला है जो वो कर रहे थे हु और उन्होंने बेच डाला को हकीर से हकीर से के बदले। अदला का माना डोल दलबुन का माना होता है डोल वारिद उस शख्स को कहा जाता है जो कुएं चश्मे वगैरह पर जाकर काफले के लिए पानी का इंतजाम करे यानी उस काफले वालों को यूसुफ इस तरह मिल के वो उनको इसमें कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे यानी जब तीन दिन बाद हजरत यूसुफ असलाम के भाई खबर लेने के लिए आए के देखे है, मामला क्या हुआ है तो वहां उन्होंने काफले के निशान देखे वो काफ़िले के तौक़ब में निकले तो उन्हें काफ़िला उन्हें मिल गया उन्होंने यूसफ़ युज़रतूसुफ वस्र, को पकड़ लिया और कहा यह हमारा ग़ुलाम है और ये जो है भाग आया है तो तुम इसको ख़रीद लो तो थोड़ी सी कीमत पर उनको फ़रोख्त कर दिया क्योंकि उनको यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी ना उसके ख़रीदो फरोख्त करने से दिलचस्पी थी ना उनको रुपया कमाने से दिलचस्पी थी उनको तो सिर्फ ये मतलब था हसद उनका बस ये था कि ये बाप की नज़रों से दूर हो जाए वक़ाल लदिश तरा मिसरा और उस शख्स ने जिसने यूसफ को ख़रीदा अहिल मिस्र से इमराती ही अपनी बीवी को कहा अक्रीमी इज़्ज़त इकराम से इसको ठहराओ आसाइन फ आना क़रीब है कि यह हमें नफ़ा पहुँचाए और नाखेदा हुआ लादा यह हम इसे अपना बेटा बना लें जब वो काफ़िला मिस्र पहुँचा तो काफ़िला वालों ने दूसरे सामान तजारत के साथ आपको भी फ़रोख्तगी के लिए पेश कर दिया लेकिन जब आपको बाजार मिस्र में लाया गया तो सारी फ़जा मुत्तर हो गई हुसन व जमाल ऐसा किसी ने देखा नहीं था अब बादशाहों के महलों में भी ये खबर घूमने लगी खरीदारों के तो हजूम लग गए लोगों ने बढ़ चढ़ कर आपकी कीमत लगाई आखिर मिस्र का एक अमीर कबीर शाही दरबार का एक आला अफसर उसने आपको लिया और अजीज़ मिस्र को पेश कर दिया अजीज़ो मिस्र ने जब आपके चेहरे मुबारक को देखा तो बड़ी मोहब्बत से घर लाया और अपनी बीवी से कहा कि ये इतना ख़ूबसूरत हमें बच्चा मिल गया है इसको बहुत आराम से रखो इसको हम अपना बेटा बनाते हैं और जो पहली जो आसमानी किताब है उसमें उसकी बीवी का नाम जो है तलमूद जो है किताब उसमें उसका नाम जुल्ह है व क़ा अली का यूसुफा फ़िल अर्दी और यूँ हम अपनी हकमत कामला से हमने करार करारख्एा यूसुफ़ को मिस्र की सरजमीन में यानी क्या कि अल्लाह ताली ने आपको मिस्र में चूँकि हुकूमत अता करनी थी तो इसलिए ये बहाना बना आपका मिस्र में आने का वाली वलिन अवील थी और ताकि हम उसको सिखा दें ख्वाबों की ताबीर यानि जिस तरह हमने उस पर यह मेहरबानी फरमाई तो उस ख्वाब की ताबी उस ख़्वाब की ताबीर को भी पूरा किया जाए और ख़्वाब की ताबीर का इल्म भी आपको अता फ़रमाया गालिबुन वालिब्र वला किन्ना अक्सर सलाम और अल्लाह गालिब गालिबी अपने हर काम में लेकिन अक्सर लोग इस हकीक़त को नहीं जानते अल्लाह जो चाहता है होकर रहता है मुश्किल का हजूम मुखालफतों के तूफ़ान अस्बा वसाइल का फ़कदान उसके हुक्म के वाक़ होने में रुकावट नहीं बन सकता भाइयों की सारी साजिशों के बावजूद कुएं में फेंके जाने के बावजूद उनको एक गुलाम बनाकर कर फ़रोख्त करने के बावजूद अल्लाह ने यूसुफ़ को जहां पहुंचाने का इरादा फरमाया था वो हो कर रहा वल्ल अला रही और अल्लाह गालिब है अपने हर काम में अल्लाह का काम पूरा होकर रहता है वाला अक्सर सिलाआलम लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते वलम बालागा अशुद्ध हो और जब वो पूरे पहुँचे अपनी पूरी जवानी को आतई ना हुक्मन तो हमने उन्हें हकमत अता फरमाई यानी उम्र का वो हिस्सा जिसमें इंसान की जिस्मानी और अकली क़ुतें पूरी तरह नशोनुमा पा लेती हैं उसे अशुद्ध कहते हैं हुकमा के नज़दीक ये तीस और चालीस साल के दरमिया अरसे का नाम है यानि आपकी फितरी सलाहियतें पूरी तरह रूना हो चुकी थीं तो अल्ला ने अपनी खसूसी नवाजशात से सरफराज फरमाया विलम आतई ना आतयन हुक्म विल्मा हमने अता फ़रमाई उसे नबूवत और इल्म क़ाई का नज़िल महसिन और हमेशा हम यूँ ही जजा देते हैं अच्छे काम करने वालों को यानी हमारे एहसाना सिर्फ़ यूसुफ़ तक महदूद नहीं बल्कि जो भी सब्र इस्तामत असमत और तहारत और अच्छे खसाइल से आरास्ता हो जाता है तो अल्लाह उस पर अपनी नवाजिशात फरमाता है वरा हुआ फ़ी बेतहा और बहलाने फुसने ल, बहलाने फुसलाने लगी उन्हें वो औरत जो उसके घर में जिसके घर में आप थे अन नफ़ से ही अपना मतलब पूरा करने के लिए वल्ल कतिल अब वाबा और एक दिन उसने तमाम दरवाज़े बंद कर दिए व है थी थलाका और कहने लगी बस अब आ जाओ मेरे पास क़ाला आपने इर्शात फरमाएल्ला खुदा की पला इन्ना रब्बी आसन मसवाया कि बेशक जो तेरा शोहर है यानि मेरा आका उसने मुझे बहुत अच्छा इज़्ज़त से ठहराया है इन नहु इ नायफिल और ख़यानत करने वाला कभी फ़लाह नहीं पाता यानी मुराद ये कि जिसने एहसान किया हो उस एहसान के साथ बुराई उस मोहसिन के साथ बुराई करने वाला कभी फ़लाह नहीं पाता वल कद हम्मत भी व हम भी हा और उस औरत ने कसरत कर लिया था उनका और वो भी कसरत करते लाला अर्रब अर्र बुरहान रब ही अगर ना देख लेते अपने रब की रोशन दलील यानी हज़रत सलाम ने फरमाया कि मैं और अपने मोहसिन की आबरू को दागदार नहीं कर सकते तो यहाँ पर अब ये मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाम को कैसे बचाया क्योंकि आप नबी थे और नबी मासूम मासूम होता है कदाली कली नवालफशाय ताकि हम दूर कर दें यूसुफ़ से बुराई और किसी भी बुरी बात को बेहि बात को इन नहुमिन इबादिनमुखलसिन बेशक वो हमारे उन बंदों में से था जो चुन लिए गए हैं यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह की इताअत के लिए अपने आप को खालिस कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला खालिस को ही पसंद फरमाता है वस्ता बल बाबा और दोनों दौड़ पड़े दरवाज़े की तरफ आपके इनकार के बावजूद जब उसका इनकार इसरार बढ़ता ही गया तो आपने वहाँ से भागने में आफ़ियत समझी अब देखिए दरवाज़े तो सब बंद थे और उन्हें तो ताले लगा दिए गए थे और कुंजियाँ भी जुलेखा के पास थीं अब यहाँ से निकलें कैसे दिल दिल में अर्ज़ की मौला भागना मेरा काम है दरवाज़े खोलना तेरा काम है जब भागे तो ताले टूटते गए तो इसका मतलब है कि पहले भागना ज़रूरी है गुनाह की सरजमीन से गुनाह के वादियों से गुनाह के कामों से भागना ज़रूरी है दूर होना ज़रूरी है जब दूर होंगे तो अल्लाह ताला खुद आसानियाँ कर देगा जब भागे तो ताले टूटते गए दरवाजे खुलते गए आखिरी दरवाजे पर पहुंचे जो महल के सहन में खुलता तो पीछे से जुलेखा ने आ लिया और आपका कुर्ता पकड़ लिया यहाँ तक कि वो फट गया आप इस कशमकश का यानी इस कशमकश का कैसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कपड़ा यूं ही नहीं फटता बल्कि बहुत उस परवत लगाई जाती है तो फटता है तो इससे पता चलता है कि हज़रत यूसुफ़ पूरी से दौड़े थे और जुलेखा ने भी पूरी से आपकी कमीज़ को खींचा था वक़् बाब और दोनों दौड़ पड़े दरवाज़े की तरफ वक़द्दत कमी सहुमिन दुबोन और सूरत ने फाड़ डाला उसका कुर्ता पीछे से व अलफया सही दलबाब और इतफ़ाक़ हुआ कि उन दोनों ने खड़ा पाया उसके शोहर को दरवाज़े के पास जैसे ही उस दरवाजे पर पहुँचे वो दरवाज़ा खुला तो वहाँ उसका शोहर खड़ा था जुलखात अपने शोहर को देख कर सहम गई फ़ौन असम्बली और हज़रत यूसुफ़ल पर उसने इल्ज़ाम लगा दिया कहलत कहने लगी माँ बोली माँ जजाओ मन अराधा भी अहली का सूअ बताइए उसकी क्या सज़ा है जिसने इरादा किया तुम्हारे घर वालों के साथ बुराई का इला आई जाना मगर यह कि उसके उसे कैद कर दिया जाए और आदाबलीम या उसे सख्त सज़ा दी जाए कलानी अन नफसी आपने फरमाया नहीं इसने मुझे बहलाना चाहा व शाहिदा और गवाही दी एक गवाह ने जो सुरत के ख़ानदान से था इनका नमीसुख की कमीस आगे से फड़ी है फटी है वसादा ख़त तो उसने सच कहा वाह हुआ मिनलकाबीन और वो झूठों में से है यानी फिर औरत सच्ची है और ये झूठों में से है वह इनका ना कमीस होदम और अगर इसकी कमीस फटी है पीछे से फ़क़ाबत वह हुआ मैंने स्वादीन तो फिर इसने झूठ बोला और यूसुफ सच्चों में से है बाहर निकले, निकले तो देखा तो अजीज़ मिस्र खड़ा है जुल्हखान ने जब अपने खाविन से सहम गई हजरत यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाना लगाया तो अब इसके घर वालों में से एक किसी ने कहा अब यहाँ पर मुख्तलि कौल है बाज ने कहा कि किसी बच्चे ने गवाही दी थी और बाद ने कहा था के यानी अजीज मिस्र जब हैरान हुआ कि अब किसको सच्चा कहे किसका झूठा कहे तो एक अक्लमंद शख्स जो उनके ख़ानदान से था उसने कहा कि देखो अगर कमीज़ आगे से फटी है तो इसका मतलब है कि यूसुफ़ ने ग़लती की है और जुलेखा ने मुदाफ़ात की है और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो फिर यूसुफ़ की सदाकत में कोई की गुंजाइश नहीं फलम मारहा कमीसू बस जब कमीज़ देखी अजीज़ मिस्र ने ख़ुदमिन दुबोरिन वो तो पीछे से फटी थी कौलान कैदी कुन्ना कहने लगा कि ये औरतों का फ़रेब है इन्ना कैदा कुन्ना अजीम बेशक औरतों का फरेब बड़ा ख़तरनाक होता है यूसुफ और पाक बाज़ यूसुफ़ इस बात को जाने दो हज़रत हज़रतूसुफ़ की दिलजोई करने के लिए उसने कहा कि अब आप इस बात को अहमियत ना दें बस तकफरी लजम्बिक और ए औरत अपनी गलती की माफ़ी मांग इन्ना की कुन तिमिन ख़्वात बेशक तो ही कसूरवारों में से है वाला नस्वतन फिल मदीना थी और शहर की औरतें कहने लगी इमराजीज तुरा फता देखो अजीज की, की बीवी को देखो बहलाती है अपने आप को नौजवान बहलाती है अपने लिए नौजवान गुलाम को ताकि इससे अपना मतलब पूरा कर सके अब जुल्खा के इश्क और मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे और ये चर्चे कोई आम लोग नहीं कर रहे थे आम औरतें नहीं कर रही थी बल्कि जो उसके स्टेटस की थी जो बड़े बड़े रऊसा की बेगमात थी वो जब एक जगह इकट्ठी होतीं तो वो जुलेखा पर बात करती कि देखो जुलेखा अपने ग़ुलाम पर डोरे डाल रही है जुलेखा को एक गुलाम ने दीवाना बना दिया अब जाहिर है ये उनके उसके लिएक नहीं था कि जुलेखा एक ग़ुलाम से मोहब्बत करे अब जब जुलेखा को पता चला कि उसका ये इश्क का राज जो है वो ज़ाहिर हो गया और मिस्र की अमीर जादगियाँ अमीर जादियाँ उसे ऐसे ताने दे रही हैं तो उसने एक पुर तकल्लुफ़ और शहाना दावत का इंतज़ाम किया और वो जो उसके सामने की जनी ख़वातीन थी उस जैसी अमीर कबीर ख़वातीन रऊ की बीवियाँ उनको उसने चालीस ख़वातीन को बुलाया और उनकी एक शहाना पुरतकल्लु दावत का इंतज़ाम किया उनके बैठने के लिए कीमती कालीन भी छाए गाँव तकिए रखे दस्तरखान पर खाना चुना ताज़ा खुशबूदार फलों को प्लेटों में सजा कर रखा फल काटने के लिए एक तेज़ छुरी उनके हाथ में दे दी और जब वो औरतें फल काटने में मशगूल हुईं फलम मासा में भी मकरी हिन्ना पर जब सुलेखा ने सुना उनकी मकराना बातों को अरसलत अले तो उन्हें भे, कहला भेजा वह आतदत मुत्ता का अन और तैयार की उनके लिए मसनदे, व आतत कुल वाहिदती मिनहुन्ना सख्न और उनमें से हर एक को एक छुरी दे दी वो क़ालत और कहने लगी उखरुज अल निकलो इनके सामने अब हज़रत यूसफ़ल का फिर इम्तिहान कि वो कह रही है कि आप इन औरतों के सामने आए फलम मार आई ना हो अकबर ना हो बस जब उन्होंने यूसुफ़ को देखा तो उसकी अज़मत और हुसन व जमाल को देखा आना आई दिया हुन्ना तो अपने हाथों को काट लिया वक़ुलना और कहने लगे हाशली माहर नहीं नहीं सुबहानल्ला तो इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई ये इंसान नहीं है इन इनहाद्ला इल्ला कुल करीम ये तो नहीं है मगर मज्ज़ फरिश्ता यानी वो उसने यूसुफ़ी को देख कर ऐसी मशहूर मस, हो गई और मरऊब भी हो गई कि कहने लगे ये इंसान नहीं है और फिर वो जो अपना फल काट रही थी हाथों में यानी छुरी उनके हाथों में थी और वो फल काट रही थी तो बजाय फल काटने के उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली और जब वो उंगलियां काट डाली तो उस उंगलियों के काटने में उन्हें तकलीफ़ का एहसास भी नहीं हुआ अब जुलेखा उनको यही दिखाना चाहती थी क़ालत कहने लगी फ़जाल फदालिकुन, फ़ज़ालकन्न लजी तुन्न फ़ी यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे मिलात किया करती थी वतनफ सी ही बखुदा मैंने इसे बहुत पैलाया फुसलाया फस्ता समा लेकिन वो बचा ही रहा व लाआलम यफ़ अलमा अमरहू मैं जो इसको हुक्म देती हूँ माँ आमो रूहू और अगर वो बजा ना लाया जिसका मैं हुक्म देती हूँ तो इसे लयुस जनन ना तो इसे कैद कर दिया जाएगा वला यकूनम वाला और फिर इस तरह ये लोगों में यानी इनकी इज़्ज़त जाती रहेगी अब हज़रत यूसुफ़ पर जो इल्ज़ाम लगा तो ये अपनी सहेलियों को बता रही है कि इसने मेरे हसन व शबाब की तोहन की है और मेरे जज्बात को मजरूह किया है मैं इसकी तोहिन बर्दाश्त नहीं करूँगी लिहाजा मैं इसको जो है जेल भिजवाऊँगीबी क़ल रब्ब इया यूसफ ने अर्ज़ की परवरदिगार कैद खानी की सऊबतें मुझे ज़्यादा पसंद हैं मिम् यद ऊन इले उससे जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं जब आपने जुल्ह की धमकी सुनी तो उन औरतों ने भी आपको समझाया कि नादान ना बनो अपनी जवानी और गुसन पर रहम करो तुम खुशकस्मत हो मिस्र की एक अमीर तरीन और हसीन तरीन औरत तुझे दिल से चाहती है तो तुम इसकी दरख्वास्त को कोबूर कर लो हज़रत यूसुफ़ अब तक इतनी आजमाइशों से गुजरे आपने अब अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह अगर मुझे तो इनके मकर फरेब से तू ना बचाए और मेरी दस्तगेरी ना करे तो मैं तो इनकी अय्यारियों का मुक़ाबला नहीं कर सकता या अल्लाह मुझे तो फिर जेल खाना इससे ज़्यादा पसंद है व्ला तशरफ़ अन्नी कई उन्ना ये तो मुझे बुलाती हैं अपने मकर की तरफ इलेहिन्ना के मैं कहीं मायल ना हो जाऊँ व जाहिलीन और हो जाऊँ ना दानों से फसत जा लहू रब हो बस क़बुल फ़रमानी उसके रब ने उसकी दुआ फ़ारफ़ अन हूँ कई दा उन्ना और उन औरतों के मकर फ़रेब को उससे दूर कर दिया इन्ना हो वसम बेश वह अपने बंदों के फ़रियाद को सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है बदाली फिर मुनासिब मालूम हुआ कि इसके बावजूद मार आबुल आयाती लयस लयस जुनू के जो वो देख चुके थे निशानियाँ यूसफ़ की पाकबाजी की वो उसे क़ैद हद तहीन वो उसे कैद कर दें कुछ अर्से तक क्योंकि होने ये लगा था कि घर घर में हज़रत यूसुफ़ के चर्चे होने लग गए और यह जोलखा के बाद के और अब सिर्फ जुलेखा ही नहीं बल्कि वो सारी रही सादियाँ हजरती युसुफ़ से जो है वो मोहब्बत का दम भरने लगी तो एक अजीब यानी सिचुएशन हो गई तो इसलिए उस वक्त फिर अजीज़ मिस्र ने भी यही समझा कि आपको कुछ अर्से के लिए कैद कर दिया जाए कल अहद हुमा इन्नी अरवानी आसर ख़मरा अब जब आप क़़द में गए और आप क़ैद में एक इबादत की और ख़ूबसूरत जो है वो पाकबाजी की ज़िंदगी गुजारते थे तो लोग आपके गर्विदा हो गए और आपके इर्द गिर्द जमा होते थे आप उन्हें अच्छी बातें बताते थे तो एक दिन उनमें से एक शख्स ने कहा कि मैंने ख़्वाब में देखा है कि मैं शराब न छोड़ रहा हूँ आसरु ख़मरन में खर शराब न छोड़ रहा हूँ वकालल आखर और दूसरा बोले इन बोला इन्नी आरवानी अहमलुफ़ाकर असि खूबज़न मैं तो अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ ताको हूँ और उससे परिंदे खा रहे हैं नब्बेनाब तवील ही आप हमें बताइए इसकी ताबीर इन्ना नारा का मिलमहसिन हम आपको बहुत नेकूकार देखते हैं हुआ यह था कि शाहि मिस्र अपने दो मुलाज़मों से नाराज़ हो गया और उन्हें जेल भिजवा दिया उनमें से एक उसका मतबक का नाजिम था दूसरा उसकी महफ़िल का निगरान था दोनों पर यह इल्ज़ामायद हुआ था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है वो अपनी कैद काट रहे थे एक रात दोनों ने ख्वाब देखा तो बड़े परेशान हुए उन्होंने जब हज़रत यूसुफ़ को जो इतने अरसे से देखा था कि आप बहुत आलि रफ़ थे अखलाक आलिया के मालिक थे और बहुत मतकी और परहेजगार थे और तमाम कैदियों की नज़र में बड़े महबूब और महतरम थे और हर एक की दिलदारी फरमाते थे तो ये आपके पास आए और अपने ख्वाब की ताबीर पूछने लगे कहा हम आपको मोहसिन समझते हैं आप हमें हमारे इस ख्वाब की ताबीर बताइए कौला ला या अति तो आमन तज़क़ानी ही आपने फ़रमाया कि तुम्हारा खाना जो तुम्हें खिलाया जाता है अभी वो तुम्हारे पास तो नहीं आएगा इल्ला नब्बा अतुकुमा भी बीता ही मगर मैं उससे पहले ही तुम्हें इसकी तबीर बता दूंगा कबला अन्या अति इससे पहले कि वो तुम्हारे पास आए ि कुमांबी यह उनमों में से है जो सिखाया है मुझे मेरे रब ने इन्नी तरक तुम ला मैंने वो दीन मेरा नहीं जो इस कौम का है उस कौम का है लाई उमिन जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर वहम बिल आख़िरती हम काफिर और वो आख़रत का इनकार करने वाले हैं व तबात आबाई इब्राहीम अब अकूबा और मैं तो पैरों बन गया अपने बाप दादा इब्राहिम और, और याकूब के दिन का माका नहीं तुम्हारा खाना आए मैं तुम्हारे तो ख्वाबों की ताबीर बताऊंगा आपकी पैगम्बराना शान का जहूर अब शुरू हुआ और आपने फरमाया अब आप उनको दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं रालिका मुनफ़ल आलिना ये तो ईमान तो अल्लाह का ख़ास एहसान है हर पर वालन्नासी और लोगों पर वलाकन अक्सराननासी लाइश करूँ लेकिन बहुत से लोग इस एहसान पर शिक्र बजा ही नहीं लाते यानि एक तो ये कि जब वो अपना मसला लेकर आए तो आपने फिर पहले उनको अपने दीन हक़ की तबलीग की तोहैद की सदाकत के दलाइल दिए और ये बताया कि जिस दिन पर यह सब हैं उस दिन पर हम नहीं हैं और हमारा दिन तो वो है जो इब्राहिम इसहाक़ और याकूब का है और फिर ये जो तोहहीद पर होना है ये अल्लाह का ख़ास एहसान है और ये भी बताया कि अक्सर लोग इसको नहीं समझते यानी अक्सर लोग इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने उन पर कितना बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ने अगर उनको तोहेद की दौलत से मालामाल किया है या साहिब यजनी ए कैद ख़ाने के दोनों रफ़ीकों अरबाब मतफर्रकून ख़ैरुन क्या बहुत से जुदा जुदा रब बेहतर हैं? अम या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है माता अब इन तुम क्यों पूछते हो अल्लाह के सिवा इल्ला आसमान आसमान सब मगर चंद नामों को जो रख लिए है तुमने आबाउकुम तुम और तुम्हारे बाप दादा ने मानस मिन सुल्तान जिसके साथ अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी यानी जब अल्लाह ताला ही के ज़ेर कुदरत सारी चीज़ें हैं तो फिर तुम किसी और चीज़ों की इबादत क्यों करते हो उसी को मबूद हर बरहक और मालिक हकीकी तस्लिम क्यों नहीं करते इन के इख्तियार किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के अमर अल्ला तब्लाया उसने ये हुक्म दिया है कि किसी की इबादत ना करो सिवाय उसके यानी वो दीन जिसकी सदाक़त और हकानियत रोशन दलाइल से साबित है तो तुम अपने दी हुई रब की नेमतों से सलाहियतों से गौर वफिक्र क्यों नहीं करते उसमें और दीन हक़ से उनकी महरूमी उनकी ना का नतीजा है कि तुम जो है यानी किसी और चीज़ को पूजते हो होम ये सच्चा दीन है सीधा दीन है क्योंकि इस दीन की सदाकत वाज है वाला आलमून लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते या साहिबनी ए कैद खाने के मेरे दोनों साथियों अम्मा हद तुम में से एक फ़ैसकी खमरा अपने मालिक को शराब पिलाएगा वह अमल आखरू और दूसरा फयूसलब वसूली दिया जाएगा फ़ताकुल फता ही और परिंदे खाएंगे उसके सर से गोश्त सोच कर खुद यल अमरदीफ़ी ही दस्तफ्तियान अटल फ़ैसला हो चुका है इस बात का जिसके मतलब तुम दरिया करते हो और ऐसा ही हुआ जैसा आपने फ़रमाया था वक़ाल नाजिन्ह हुमां और आपने उसे जिसके बारे में आपको यकीन था कि वो निजात पा जाएगा उसे फ़रमाया उसकुर्निंदा रबिक अपने आका के पास मेरा तस्करा करना फ़ानसा शैतिक्र रबी ही लेकिन फरामोश करा दिया उसे शैतान ने कि वह जिक्र करे अपने बादशाह के पास आपका फ़ला बिफि सजनी बिद आसिन तो फिर आप ठहरे कई साल क़़ैद ख़ान में हज़रत यूसुफ़ल के शब वो अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते बसर होते और दूसरों को भी याद इलाही की तलख़ी फरमाते लेकिन जो आपने उस शख़्स को कहा कि तुम अपने आका के सामने हमारा ज़िक्र करना हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह के हाँ ये पसंद ना जाना गया कि आपने आप अपनी रिहाई के लिए किसी और को ज़रिया बनाएं और ग़ैर की तरफ उतने लम्हे के लिए भी इल्तिफात क्यों हुआ तो इसलिए फिर कई साल और क़ैद में ठहरना पड़ा अल वक्मिकुनि अरासब आबरा और कुछ अरसे बाद बादशाह ने ख़ देखा इसके साथ गाएँ सीमान इन मोटी ताज़ी या कलून नसब उन उनफ़ुन खा रही हैं सात दुबली गाय को वह सब आसम बुला, बुलातिन खुदरीन और सात सब खोशें हैं वो ख़रा याबिसिन और दूसरे सात खुश सूखे हुए या याल मलाउ ए दरबारीो अफतूनी फिर या बताओ मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर कन तुम लिल रु ताबरून अगर तुम ख्वाबों की ताबीर बताया करते हो अब अल्लाह ने ज़ाहरी इसबाब पैदा फ़रमाए एक रात बादशाह मिस्र को ख्वाब आया उसने काहनों नजूमियों और बड़े ज़ेरिक लोगों को जमा किया अपना ख्वाब बयान करने के बाद कहने लगा कि जो भी ख्वाबों की ताबीर बयान करने के फ़न में महारत रखते हैं उन सबको जमा करके कहा कि मैंने जो देखा है मेरे ख्वाब की तबीर बताओ कलू अदास तो दरबारी ने कहा बादशाह ये परेशान कन खब हैं व महनबी तावी लिल अहलामी भी आलिमीन और हम परेशान ख़्वाबों की ताबीर जानने वाले नहीं वक़ाल वा लदी न जामिन हमां अब वो बोला जो बच गया था उन दोनों में से उन कैदियों में से वद दा करा बा दा और उस इतने अर्से बाद अब याद आई यूसुफ़ की अना उन बेकुम बेतावील ही फ़ारसीलून मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हें इस ख्वाब की ताबीर बताए मुझे भेजो कैद खाने यूसुफ़ अयुह सिद्दीक एद्दीक़ अफ़ीनाफ़ी सब ही बकरात इनसीमानी याकुल सब उन जाफुन हमें बताइए इस ख़्वाब की तबीर के साथ मोटी ताज़ी गायें खा रही हैं सात लागर गायें व सब इसम बोला ख़ुदन व औ ख़रा या अबिसातिन और साथ खोशें हैं सरसब्ब और दूसरे खुशक खोशे ल आज नासी ताकि मैं आपका जवाब लेकर वापस जाऊँ लोगों की तरफ ला या ताकि वो इल्म फ़ज़ल को जान लें अब उस साकी को इतने अर्से बाद ख्याल आया उसने बादशाह से कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ऐसे मुश्किल ख़्वाबों की ताबीर बता सकता है अगर इजाज़त हो तो मुझे भेजिए वो तो क़ैद ख़ाने में है चुनाचे जब कोई भी ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका तो उस शख्स को फिर कैब खाने की तरफ भेजा गया कि ताकि वो ख्वाब की ताबीर लेकर आए आपने फरमाया सब असली बन सात साल तक तुम काश्तकारी करोगे इसी तरह हसब दस्तूर फमा हसत तुम फोह ही सात साल तक तुम जो काटोगे उसे रहने देना खुशों में इल्ला कलीला कली मम्म मगर थोड़ा ज़रूरत के लिए निकाल लो जिसे तुम खाओ अब हजरत सलाम ने खब की ताबीर के लिए ये शर्त पेश नहीं की कि तुम पहले मुझे खाब की ताबीर बत तुम पहले मुझे रिहा करो फिर मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताऊंगा बल्कि आपने ख्वाब की ताबीर भी बयान की और हकीमाना फेल भी हल भी उसका पेश कर दिया मुम्बा अलीजालिका फिर आएंगे उसके बाद खुशहाली के साल सब उनदाद बहु यानि सात साल बहुत खुशहाली के आएंगे और उसके बाद सब उन उनद बहुत ही सात सख्त साल आएँगे याकुल ना माकद्दम तुम लखुन्ना तो जो ज़ख़ीरा तुमने जमा कर रखा होगा वो तो वो होगा इल्ला मम्म तो सनून थोड़ा सा जो तुम महफूज कर लोगे वो तुम्हारे लिए उस वक्त काफ़ी होगा यानी तुम्हें कुछ किफ़ायत करेगा मैं आती का आम उनफ़ी ही फिर आएगा और सरसे के बाद एक साल आम उन एक ऐसा साल योग नासू जिसमें मी बरसाया जाएगा लोगों के लिए वफ़ी ही आसर उसमें वो फलों का रस निकालेंगे अब जब आपने इतनी अच्छी तबीर बयान की और फिर उसकी आ, उसका हकीमाना हल भी पेश किया तो बादशाह ने कहा

फ़स अबा निसविल्ला और पूछो हकीकत हाल क्या थी उन औरतों के जिन्होंने काट डाले थे अपने हाथ इन्ना रब बी बिकैदी हिन्नाम बेशक मेरा रब उनके मकर वफरेब से खूब आगा है अब जब वो आपके पास आए तो आपकी बुलंद हिम्मती और आली ज़रफ़ी ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया गवार न किया कि आप मशकूक हालत में क़ैद से बाहर तशरीफ़ लाते हैं आपने फ़रमाया अब जब तक उस इल्ज़ाम की तहकीक ना कर ली जाए जो मुझ पर आयद किया गया था तो मैं नहीं आऊँगा और ये अज़मी सिर्फ़ बंदगाने खुदा ही को जेब देती है माँ ख़त कुन्ना इजरावत तुन्ना यूसुफ़ा बादशाह ने उन औरतों को बुला कर पूछा क्या मामला हुआ था तुम्हारा जब तुमने यूसफ़ को बहलाया अब बादशाह ने ख़ को बुलाया और हकीकत हाल दरियाफ़त की रावत रावत तुम ना यूसुफ़ा अनफ जब तुमने अपने मतलब के लिए यूसुफ़ को बहलाया कुलना सब एक जबान बोली हा शी मालिमसू हाश ला नहीं हमें उससे कोई भी बुराई मालूम नहीं हुई कौलत इमरातुल अज़ीज़ी अजीज की बीवी अब फ़ौर बोली अना हस हसल हकू अब तो हक आशकारा हो गया अन आरावत हो अन् नफसी ही मैंने उसको अपने मतलब के लिए पिस पिसलाना चाहा था व इन सौदीन बखुदा वो तो सच्चा है लिया अन नीलम अख़ुन हु बिल गई भी ये इसलिए कहा था ताकि अज़ीज़ जान ले कि मैंने उसकी गैर हाजिरी में ख़यानत नहीं की वह अनहदी कई दलखाइन अल्लाह कामयाबी नहीं होने देता दगाबाजों की फरीबकारी को वमा उ नफसी और मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता अन मा रतुम बसुई नफ्स तो बुराई का ही हुक्म देता है इलामा रही रब्बी मगर वही बचता है जिस पर मेरा रब रहम फ़रमाए रब रहीम यकीनन मेरा रब गफ़ूर रहीम है यह मेरे रब करीम का फ़ल्ल करम है उसने मेरी दस्तगीरी फ़रमाई और अल्लाह के मकबूल बंदे किसी कमाल को अपनी तरफ़ मनसूब नहीं करते बल्कि अल्लाह ही का महज एहसानी यक़ीन करते हैं बकम्लिकू बादशाह ने नेकुम दिया ई तो नहीं बिही इन्हें ले आओ मेरे पास अस्तखलिस स्कूली नफसी मैंने खास अपने कुर्ब के लिए अपने करीबी बंदों में चुनूँगा फलमाँ कल्मा फिर जब उसने आपसे से गुफ्तगू किए कहा इन न कल योम लदई न मकिन आज से आप हमारे यहाँ बड़े मोहतरम और काबिल अहतमाद हैं यानि आपको अपने दरबार के मोजती तरीन अफ़रा में शामिल कर लिया कला अला खज़ाकर आपने फ़रमाया मुझे मुकर्रर कर दे ज़मीन के ख़जानों पर इन अलीम, बेशक मैं इनकी हिफाजत करने वाला हूँ यानी यानिमाशी मसाइल का अलीम जानने वाला हूँ हज़त यूसुफ़ ने उस काफिर बादशाह की ममलिकत में वज़ारत माल और वज़ारत खजाना का चार्ज इसी बिना पर लिया था कि शाह मिस्र ने आपको सारे इख्तियारत कर दिए थे और आपने इशात फरमाया कि मा, मैं माली अमूर में महारत रखता हूँ मुझे पता है कि दौलत को किस तरह मुफीद और नफ़ा बख्श मकासद के लिए इस्तेमाल करना है वक्ाली का मक्ना फ़ाफल आरदी और इस तरह हमने यूसुफ़ को इकदार बख्शा कुत बख्शी सरजमीन मश्र में या तब उन्नहा ताकि वो रहे उसमें हैस हु जहाँ चाहे नसीब उ बहमत इना मन नशा हम सरफराज करते हैं अपनी रहमत से जिसे चाहते हैं वलानदी अजर अलमुहसिन और हम ज़ाया नहीं करते अजर उमदा काम करने वालों का इन कलिमाते से हर नेक का एर नेकूक की हौसला अफज़ाई फरमा दी कि हमारी रहमत वनायत का दरवाज़ा हर उस शख्स के लिए अब भी खुला है जो यूसुफ़ की तरह बेदाग सीरत का मालिक हो दयानत और अमानत करता हो दयानत और अमानत की खूबियों से मुतसफ़ हो तो हम उसे बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम देते हैं यह हर उस शख्स के लिए आम है जिसमें उलुल अज़मी का जौहर है नेकी की सलाहियतें हैं मुझे राज़ी करने के लिए हर किस्म की तकलीफ़ों और बदनामियों को भी बर्दाश्त करने का हौसला रखता है फिर अल्लाह ताला उसके सर पर इज्जत और करामत का ताज पहनाता है वल अजर आख़िरती खरुल और आख़रत का अजर तो उससे यकीनन बेहतर है लज़ीन ईमान वालों के लिए वक़ानू या तक़ून और मतकी परहेज़गारों के लिए व जा आफ यूसुफ़ा और आए यूसुफ़ के भाई फ़दाकल अलह ही व उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए फ़ आपने उनको पहचान लिया वहम लहू मुनकिरून और वो आपको नहीं पहचान सके अब बादशाह मिस्र ने मुलिकत का सारा नजम नस्का के सिपुरद कर दिया आपने खुशहाली के साथ सालों में ज़रात की तरफ खास तवज्जो मबजूल की काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला पैदा करने की सहूलतें दी गैर ज़मीन ज़मीनों को आबाद किया पैदावार की हिफाजत के लिए खास अहतमाम किया बड़े वसी गोदाम तमीर किए और जो गल्ला था उसे खोशों में रहने दिया ताकि वो कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे इस अरसे में नए और पुराने गोदाम गले से भर गए फिर वो वक्त आया जब कहत साली का दौर शुरू हो गया आपकी उसने तदबीर से जो गल्ला महफूज था वो लोगों में तकसीम किया जाने लगा इस तरह मिस्र के लोग कहत की हलाकत से बच गए इर्द गिर्द का इलाका भी कहत ज़दा था मिस्र में पब्लिक के लिए हुकूमत की तरफ से गले की फ्राहमी का चर्चा था लोगों ने गल्ला हासिल करने के लिए का रुख किया ऐसा मालूम होता था कि हज़रत यूसुफ़ ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए भी गला मुहैया करने का शानदार इंतज़ाम कर रखा था लेकिन उनसे गले कीमत वसूल की जाती थी और हर एक के लिए गले की मखसूस ही मकदार थी ताकि इन हंगामी हालात में अगर ये दोनों तरीके ना अपनाए जाते तो फिर लोग उसमें करते उधर आपके भाई जहां रहते थे वहां पर शदीद तरीन कहत हुआ चुनाचे वो लोग आपके भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र आए और जब वो आपके सामने आए आपने उन्हें पहचान लिया वो आपको पहचान नहीं सके वलम्मा जह गज़ा हम भी जहाज़ और जब उनका साजो सामान उनको फ़राहम कर दिया कौला तो फरमाया ए तो नहीं बे अखिल्लु मिन अबी कुम तुम अपने बाप वाले जो तुम्हारी बाप की तरफ से भाई है उसको अब आओ तो मेरे पास लेकर आना यानी जब कनान में भी कैद हुआ हज़रत तो याकूब के बेटे जो है उन्होंने मिस्र का रुख किया और जैसे ही वो आपके दरबार में दाखिल हुए आपने उन्हें पहचान लिया वो तो आपको नहीं पहचानते थे क्योंकि उनके तो वह गुमान में भी नहीं हो सकता था कि शाहाना लिबास में इतनी शानदार कुर्सी पर ये जो बैठा है ये वही है जिसे इन्होंने जिसे उन्होंने एक तारीख कुएँ में फेंका था और सिर्फ बीस रुपये में बहुत ही सस्ते रूपों में जिसको जिसका सौदा किया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने जज्बात को बेकाबू नहीं होने दिया और उनके सामने ख़ुद को ज़ाहिर नहीं किया उनसे सारी तफसील मालूम की कि तुम्हारे घर में कौन कौन है उन्होंने कहा हमारे घर में अब हमारा एक बाप और भाई है हम सब तो यहाँ गल्ला लेने आए हैं तो आपने फ़रमाया अच्छा अब आइंदा आओ तो अपने उस भाई को भी साथ लाना अला तरउन अन ऊ फिर कैला क्या तुम नहीं देखते मैं किस तरह पैमाना पूरा भर के देता हूँ वो आना खैरमंजिल और कितना बेहतर मेहमान नवाज़ हूँ फिल्म तातून भी ही। अगर तुम उसे ना लाए मेरे पास फ़ला कई लालकुम तो फिर कोई पैमाना तुम्हारे पास में फ़ला कई लालकुम तो नहीं होगा तुम्हारे लिए कोई पैमाना आमदी मेरे पास फला तक्रब तुम मेरे करीब नहीं आ सकोगे यानी आपने धमकी दी क्या बाई तो को साथ लाना उसके छोटे भाई का राशन अब दे रहा हूँ आइंदा नहीं दूंगा आइंदा तभी दूंगा जब उसको साथ लाओगे और फिर वरना उसके साथ लाए बग़ैर उसका राशन नहीं मिलेगा उसके हिस्से का अभी उसके हिस्से का राशन दे रहा हूँ यानी सबके हिस्से का राशन दे रहे थे ना तो इस तरह कालू बोले सनु अनहु अबाहु हम ज़रूर मुतालबा करेंगे उसके भेजने का अपने बाप से व इन्ना लफा एलून और हम ज़रूर ऐसा करेंगे वो क़ाल फितया और आपने अपने गुलामों को फ़रमाया इज अलू बिदा आता बिदा बिद फिर हाल रख दो इनके सामान में इनकी इन्होंने जो गला ख़रीदा है उसके रकम भी इनके उसमें ही रख दो यानी अनाज में ला ताकि जब वो पहचान लेंगे इधन क़लब अपने घर वालों की तरफ़ तो फिर लौट कर आएँगे लाअज़ून ला शायद वो लौट कर आएँ यानि आपने फ़रमाया कि जो कुछ इनसे लिया गया है इस गले के इवा वो इनके गले में वापस रख दो वो गले की कीमत बोरियों में ही रख दो जब ये अपने वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि बादशाह ने तो कीमत भी वापस कर दी तो वो इस एहसान को याद करेंगे और इस एहसान की वजह से ये दोबारा आएंगे पलम माँ राजाओ अला अबी जब वापस लौटे अपने बाप के पास कालू बोले या अबा ना मुनी अमीन नल कैलू ए हमारे परवरदिगार रोक दिया गया है हमसे गलासिल आना ख़ाना भेजिए हमारे साथ हमारे भाई बनियामीन को नक़तल हम ताकि गल्ला ला सके इन्ना लहू और हम यकीन इसकी निगेबानी करेंगे अब जब ये अपने वतन पहुँचे वो सारा इन्होंने गला इस्तेमाल कर लिया और वो गला ख़त्म हो गया दोबारा उसकी ज़रूरत हुई राशन की तो इन्होंने हज़रत याकूब आसम के सामने अजीज़ मिस्र की फाज़ी मोहब्बत भरी गुफ्तू का ख़ूब तस्करा करना शुरू किया और कहा लेकिन हम तो अब हमें राशन जो है भाई का भी तब मिलेगा जब भाई हमारे साथ जाएगा आप बन को हमारे साथ भेज दें और हज़रत याकूब को यकीन दिलाने लगे कि अब हम इसकी इतनी ख़ूब देखभाल करेंगे और इसमें ज़रा सुस्ती नहीं करेंगे आपने फ़रमाया मैं तुम्हें खूब जानता हूँ और तुम्हारे वादों की हकीक़त को भी जानता हूँ कॉला फरमाया हल आमनु कुमाल ही क्या मैं अतमाद करूँ तुम पर कमा अला कमा आमिन तुकुम अला कम आमिन तुकुम अला कबल जैसे अहतम किया तुम पर इसके पहले इसके भाई के बारे में फ़ल्ला ख़ैर हाफ़ा पसअल्ला बेहतर हफ़ाजत करने वाला है वह अरहमर और वो ज़्यादा मेहरबान हैं तमाम मेहरबानी करने वालों से वलम्मा फ़तः मत आम और जब उन्होंने खोला सामान वजू वदा आता हम उन्होंने देखा कि उनका माल उन्हें वापस लौटा दिया गया है कालू या अबान अमानी बोले हमारे आ, बाप हम और क्या चाहते हैं हाजही बिदा आतु रद्दति इलैना उसने तो हमारा माल भी वापस हमारी तरफ लौटा दिया व न मीर हम रसद लाएंगे अपने अहले ख़ाना के लिए व नफ़ा ख़ाना और अपने भाई की हिफाजत करेंगे व वनसदाद कैला बैर और ज्यादा लेंगे एक ऊंट का बोझ जब भाई साथ जाएगा तो एक ऊंट का राशन ज़्यादा मिलेगा जाल कैलु यसीर ये गल्ला बहुत थोड़ा है जो हम लाते हैं और फिर वो पूरा नहीं होता

अला अल्ला अला मानल वकील अल्लाह उस पर गवाह है जो हम गुफ्तु, गुफ्तु कर रहे हैं वक़ाल और आपने कहा या बनी या ए मेरे बच्चों ला तद ख़ुल्लु मिन बादिन ना दाखिल होना एक दरवाज़े से वद़्लुमिन अब मिन अबवाब रखा और दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाज दरवाज़ों से जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ हज़रतूसफ्लम का मतमिन कर दिया तो आपने फ़रमाया ठीक है बनियामीन को साथ ले जाओ आपने इस पर अपनी आमादगी को ज़ाहिर किया अब ख़ुराक का पहला जख़ीरा ख़त्म होने के बाद और मज़ीद लाने के लिए कुछ अर्से बाद यानी जब वो गल्ला पहला वाला जो राशन था सारा ख़त्म हो गया तो अब ये चले कहाँ अजीज़ मिस्र के पास आपने फ़रमाया एक जत्थे की सूरत में दाखिल ना होना अलग अलग जान जानना अब इसकी वो, मुझे मुख्तलि वजूहत इमाम राजी रही ने, ने फरमाइया एक तो ये कि तुम्हारा एकदम से जत्था देख कर कहीं आ, किसी की नज़र ना लग जाए क्योंकि नजर बद से आपने बचने का हुक्म दिया और अम ने मकरू से बचने की तदबीर बता दी और तम भी फरमा दी कि अल्लाह की तकदीर के सामने किसी को दम मारने की मजाल नहीं वमा उगनी मिनशीन मिन और नहीं फायदा पहुँचा सकता मैं तुम्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ भी लिल्लाह मगर ये कि जो अल्लाह का हुक्म अलह ही तोल तो मैंने उसी पर भरोसा किया व आलही फल या उसी पर तोल करना चाहिए तवक्ल करने वालों को वलम माँ दलोमिन हैस अमारा हम अबू हम और जब वो दाखिल हुए जिस तरह हुकुम दिया था उन्हें उनके बाप ने माँ का नी अन हम मिनला शय नहीं फ़ायदा पहुँचा सकता था उन्हें अल्लाह की तकदीर से कुछ भी यानि ये एहतियाती तदबीर भी अल्ला हाजता मगर एक ख़याल फी नफ़्स याकूब कदाहा जो नफ़्स याक़ूब में आया और उन्होंने उसे पूरा किया व इन नज़ुआ यकीन वाहाबिल थे लिमा अल्माहू जो हमने उन्हें सिखाया था वलाकिन अक्सर नासिल आलमू लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते